Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about a topic which is be a good speaker. So let us start and go ahead. इससे पहले हमने पढ़ा था अच्छा be a good listener, अच्छे श्रोता बनिए, और अब हम पढ़ रहे हैं अच्छे वक्ता बनिए. तो चलिए पढ़ते हैं. Some people are good speakers. Some are shy, some speak easily with your friends and relatives, but become nervous in front of a big audience. What about you? It is important to be able to speak well, and if you make up your mind, it is not very difficult to do so. तो बहुत लोग जो होते हैं वो अच्छे वक्ता होते हैं. जो वो बोलते हैं अपने बोलने से ही लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ जो मैंने बोला वो सही बोला, और लोग उनकी बात सुनकर खुश होते हैं, मतलब अच्छा लगता है उन्हें. और बहुत लोग शर्मीले होते हैं, शाय का मतलब शर्मीले टाइप के. Some speak easily with their friends. So बहुत तो ऐसे जो अपने दोस्तों और अपने घर वालों के सामने अच्छे से बोल सकते हैं, पर जब बहुत बड़ी जनता बैठी रहती है, लोग बैठे रहेंगे, तो उनके सामने वो नहीं बोल पाते. It is important to be able to speak well. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से बोल पाएँ. और आपने जब अपने if you make up your mind, आपने सोच रखा है कि हाँ हमको अच्छे से बोलना है और अच्छा वक्ता बनना है, तो आप वो कर सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं. कठिन नहीं होगा, बल्कि बहुत आसान हो जाएगा करना. रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक. ये को थोड़े बहुत पॉइंट्स दे रखे हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें दे रखी हैं, याद रखिएगा, इससे आपका आगे का काम हो जाएगा. पहला है स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल. मतलब साफ बोलिए, अपने में ना बड़बड़ाइए, धीरे धीरे बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, नहीं, आराम से बोलिए और बिल्कुल साफ बोलिए जो बोल रहे हैं. लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम. मतलब आई कॉन्टैक्ट, मतलब जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो देखकर आँखों से ही बोलिए. मतलब अपनी आप एक दूसरे सबको देखते हुए बोलिए, नहीं कि हाँ आसमान में देखकर बोल रहे हैं, नहीं, सबको देखते हुए ही बोलना होता है. यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, टू फास्ट और टू स्लो. आपको बहुत ज़ोर से नहीं बोलना है, ना बहुत धीरे से बोलना है. आपको पर ना ज़्यादा तेज़ बोलना है, ना बिल्कुल धीरे कि सो ही जाए इंसान, ऐसे भी नहीं बोलना है. बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट, प्लेजेंट सब विनम्रता से बोलिए और मधुर आवाज़ में बोलिए. गिव अ थॉट टू द अदर्स पर्सन फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट. दूसरा जो बोल रहा है, दूसरे के जो विचार हैं उनको भी आगे लाइए, उनके जो उनकी जो दिलचस्पी है, उनकी जो रुचि है, उसे भी लोगों को ज़्यादा तक पहुँचाइए. व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन, जब आप किसी डिस्कशन मतलब एक पैनल वो होता है, क्या कह सकते हैं, डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन मतलब विचार विमर्श हो रहा है, तो क्या क्या करना ज़रूरी है. डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम बट अदर स्पीक. आप ही को नहीं बोलना है, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए. शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली. और जो दूसरा बोल रहा है उसमें दिलचस्पी दिखाइए कि हाँ अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है, और उनकी बातें भी सही से सुनिए. व्हेन यू एग्री विद अदर्स और लाइक देयर आइडियाज, डू टेल देम दैट. आप किसी के विचार से प्रभावित हुए हैं या फिर आपको किसी चीज़ अच्छे लगे तो उन्हें बताइए कि हाँ हम को आपकी बात अच्छी लगी. डू शेयर योर ओन थाट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स. अपने आइडिया, अपने विचार दूसरों के साथ जरूर बांटें. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली. अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप जो व्यक्ति बोल रहा है उससे बोले कि हमको फिर से समझाए और अच्छे से समझाए. कैसे आप बिल्कुल विनम्रता से बोलना है, ये सब बोल जब आप बोलें तो विनम्रता से ही सब बोलना है. यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, व्हेन यू डिसएग्री विद समवन, और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस एंड गिव देम. तो हमेशा पोलाइट मतलब विनम्रता से बोलते हुए, विनम्रता वाले शब्द और अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए आपको क्या करना है, कभी भी जब आप किसी से बीच में रोकना हो किसी को, तो आप अच्छे से बोलेंगे कि फिर से समझाइए, या फिर किसी से किसी को बोलना कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप उसे असहमत हैं, तो उसको तब भी आपको विनम्र शब्द का उपयोग करना है. और जब आप किसी को
उसे बोले कि उसको समझाएं, इसको इसको जो अच्छे से समझाइए, या फिर आप कह सकते हैं कि आप किसी को समझा रहे हो, तब भी विनम्रता से उपयुक्त शब्दों का ही उपयोग करना है। When you want to give a speech, जब आप स्पीच देने जा रहे हो, स्पीच एक तरीके से जैसे वही विचार विमर्श प्रतियोगिताएँ होती हैं। When you plan your speech in advance, पहले से ही अपनी स्पीच तैयार कर रखें। Note the point and arrange them properly, सबसे जरूरी बड़ी बात यह होती है अपने सार, जो आपने सब कुछ लिख रखा है उसे एक तरीके से रखें, व्यवस्थित करके रखें। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड, जो अपने स्पीच प्रिपेयर रखी उन्हें उसे अभ्यास करते रहें अपने दिमाग में, और उसके बाद आगे बढ़िए। मतलब अब आप सुना सकते हैं उस स्पीच को। सो बस इतना ही था, बाकी तो आपको बताइए कि ज़रूरी हर चीज़ आपको अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता ज़रूरी है बनना, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपको आगे सफल बनाएंगी। थैंक यू क्लास।